हाय गाइस, तो आज के वीडियो में मैं रियलिस्टिक ड्राइंग में वाटर इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है, वो भी ओनली पेंसिल से, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह की वाटर इफेक्ट अपनी ड्राइंग में क्रिएट करना है सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मैं रियलिस्टिक एंड ईजी ड्राइंग बनाकर दिखाती हूँ। तो अगर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग पसंद है और सीखना चाहते हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बना सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टोन ग्रे पेपर यूज़ किया है। अगर आपके पास टोन पेपर अवेलेबल नहीं है तो वाइट पेपर को आप ग्रे वाटर कलर से पेंट करके देन उसके ऊपर आप ये सेम वाटर ड्रॉप्स ड्रॉ कर सकते हो, उसमें भी सेम ही इफेक्ट आएगा। टोन पेपर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसके ऊपर जब हम कोई भी हाईलाइट करते हैं तो वो हाईलाइट बहुत ही रियलिस्टिक एंड ट्रांसलूसेंट लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स की आउटलाइन क्रिएट कर लिया है एंड अभी मैं शेड करना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड गाइस, शेड करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखना है वो ये है कि लाइट कहाँ से आ रही है एंड शेडो कहाँ पे पड़नी है। सपोज कि मेरी ड्रॉइंग में राइट साइड से लाइट आ रही है तो जो भी ड्राइंग बनाऊंगी उसकी शेडो लेफ्ट साइड में यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगी। तो क्योंकि मेरी लाइट राइट साइड से आ रही है तो मैंने लेफ्ट साइड में शेडो सबसे पहले ड्रॉ किया है एंड अभी मैं ड्रॉप की राइट साइड में शेड कर रही हूँ बहुत ही हल्के हाथों से बिना प्रेशर का अप्लाई किए। एंड गाइज, मैं ये ड्राइंग चारकोल पेंसिल से बना रही हूँ। ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है जो आपको किसी भी आर्ट मटेरियल शॉप में इजिली मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। तो गाइज, ये ड्राइंग बनाने के लिए बहुत ही मिनिमम मटेरियल की ज़रूरत है। जो भी मटेरियल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड अगर आपको इस ड्राइंग की रेफरेंस इमेज चाहिए तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लिंक में जाके पिक्चर को सेव या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सारे वाटर ड्रॉप में पहले लेफ्ट साइड में शेडो एंड राइट साइड में थोड़ी सी शेड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो सारे वाटर ड्रॉप की शेड कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प अवेलेबल नहीं है तो आप कॉटन ईयरबड से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेपर के ऊपर डायरेक्ट पेंसिल का अप्लाई करके शेड किया है एंड ये शेड मैं बहुत ही स्मूथली ब्लेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पेपर स्टम्प यूज़ कर रही हूँ। ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड करती तो ये बहुत स्मूथ ब्लेंड नहीं होती। तो आपको आपकी ड्राइंग में कैसे टेक्सचर चाहिए उसके हिसाब से आपको ब्लेंडिंग टूल चूज़ करनी चाहिए। और आप जितनी अच्छी तरीके से पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतनी इजीली आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी ब्लेंडिंग टूल कहाँ और कब यूज़ करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे शेडो को भी ब्लेंड कर रही हूँ और शेड को भी ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बहुत स्मूथ इफेक्ट आए।
तो अभी सारे वाटर ड्रॉप्स की ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ। आप देख सकते हो व्हाइट चारकोल पेंसिल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। व्हाइट चारकोल पेंसिल आप किसी भी ब्रांड का चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको इजीली मिल जाएगा वही आप ले सकते हो। और अगर आपको व्हाइट चारकोल ना मिले तो उसके बदले आप चौक पेंसिल या पेस्टल कलर का भी यूज़ कर सकते हो। पेंट का यूज़ यहाँ पर मत करना, क्योंकि पेंसिल और पेंट ब्लेंड इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती। शैडो के ठीक ऊपर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एंड हाईलाइट मैं हाफ वाटर ड्रॉप में कर रही हूँ, एंड मिडिल में मैं दोनों शेड को एक साथ मिक्स करूँगी। तो मैं छोटी वाली मेकअप ब्रश का यूज़ कर रही हूँ व्हाइट चारकोल को ब्लेंड करने के लिए। गाइस, व्हाइट चारकोल के ऊपर अगर हम ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करेंगे तो पूरा जो शेड है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट चारकोल पेस्टल पेंसिल की तरह बहुत सॉफ्ट होती है। इसकी शेड को अगर हम बहुत ज़्यादा ब्लेंड करेंगे एंड बहुत ही हार्डली प्रेस करके ब्लेंड करेंगे तो पूरा शेड रिमूव हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से एंड आराम से इसकी शेड को ब्लेंड करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों शेड को, व्हाइट चारकोल एंड नॉर्मल चारकोल पेंसिल की शेड को ब्लेंड किया है। एंड अभी सबसे लास्ट पार्ट है एंड सबसे मेन एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है, व्हाइट जेली रोल पेन या यूनी बॉल पेन का यूज़ कर रही हूँ, जो वाटर ड्रॉप की ट्रांसलूशेंट इफेक्ट है वो आ सके। अगर आपके पास व्हाइट जेली रोल पेन नहीं है तो इसके बदले आप व्हाइट एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं शेडो के ठीक ऊपर एक हल्के से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो हाइलाइटेड पार्ट थोड़ा और हाईलाइट लगेंगे, एंड एक छोटी सी डॉट बना रही हूँ ताकि लाइट पड़ने पर वाटर ड्रॉप में जो शाइन आते हैं वो क्रिएट हो सके, और इसी की वजह से नॉर्मल एक ड्राइंग में 3D और रियलिस्टिक इफेक्ट आती है। तो गाइस, मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड अभी हाइलाइटेड पार्ट एंड शेडो का जो पार्ट है वो क्योंकि मैंने ब्लेंड किया था तो थोड़ा सा लाइट हो गया है, इसलिए एक बार और व्हाइट चारकोल का यूज़ करेंगे हाइलाइटेड पार्ट को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए, एंड नॉर्मल चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। जहाँ पे मैंने शेडो बनाया था शेडो के ऊपर थोड़ा और डार्क बनाएंगे ताकि ड्राइंग और प्रोमिनेंट दिखे। तो गाइज, आप देख सकते हो कितनी इजीली एंड कितनी जल्दी इस तरह की रियलिस्टिक वाटर ड्रॉप आप बना सकते हो, एंड प्लीज़ घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करना। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।